पिछले क्लास में विमोहर्स थ्योरम बताए थे हम। अब विमोहर्स थ्योरम के एप्लीकेशन पर क्वेश्चन है जिसको सॉल्व कर रहे हैं कि इफ ए प्लस आई बी टू पावर एम बाई एन प्लस ए माइनस आई बी टू पावर एम बाई एन इक्वल टू टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू पावर एम बाई टू एन इंटू कॉस एम बाई एन इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए प्रूव करके हमको दिखाना है। तो ये अभी जो फॉर्म इसका है वह कार्टिजियन फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको हमको प्रूव करना है। तो जो विमोहर्स थ्योरम के एप्लीकेशन बताए थे उसी पर हम लोग बनाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर ओरिजिन ले लिए, ए प्लस आई बी का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस जो होगा वह रियल एक्स जेड के लिए होता है और वाई एक्सिस जो होता है इमेजिनरी जेड के लिए होता है। तो ए ए प्लस आई बी का मतलब है कि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो ए और बी होगा। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए पी एम, तो पी एम डिस्टेंस होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है और ओ एम जो होगा ए हो जाएगा, ये जानते हैं आप। मान लीजिए कि यहाँ थीटा वाला एंगल बना रहा है और यह आर 90 डिग्री पर है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए आर का वैल्यू हमको मिल गया। अब साइन थीटा अगर इस ट्रायंगल में देखिएगा, ट्रायंगल पी ओ एम राइट एंगल ट्रायंगल में, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई आर होगा। तो b का वैल्यू हो जाएगा r sin थीटा और cos थीटा इक्वल टू जो होगा वह हो जाएगा a बाई आर। तो a का वैल्यू जो होगा r cos थीटा हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो tan थीटा b बाई a हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स b बाई। सभी चीज को हम लोग चेंज कर लिए, यानी कि अगर a प्लस आई डी है, a प्लस आई डी, तो इसको पोलर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। a का वैल्यू आपको कितना है, a का वैल्यू r cos थीटा प्लस i इंटू हो जाएगा r sin थीटा। उसी तरह से a माइनस आई डी अगर लिखा हुआ है तो a हो जाएगा r cos थीटा माइनस हो जाएगा आई इंटू आर साइन थीटा। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कार्टेशियन फॉर्म में रहता है उसको हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब इसको हम चेंज कर दिए कि ए प्लस आई बी का वैल्यू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा है, ए माइनस आई बी का वैल्यू आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा। यहाँ पर आर का वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स बी। तो अब इससे हम लोग चलेंगे कि LHS में जो बात दिया हुआ है, LHS में ये दिया हुआ है a प्लस आई बी टू पावर m बाई एन प्लस a माइनस आई बी टू पावर m बाई एन, LHS में वैल्यू दिया है। अब इस LHS के a प्लस आई बी का जो वैल्यू है वह इतना है, तो इसमें हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस I इंटू आर साइन थीटा टू पावर एम बाई एन प्लस आर कॉस थीटा माइनस I इंटू आर साइन थीटा टू पावर एम बाई एन, इतना लिख दिए। अब देखिए कि आर टू पावर जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो R को अगर कॉमन लीजिएगा, R को तो R अगर कॉमन लेते हैं तो R टू पावर हो जाएगा m बाई एन। तो R टू पावर m बाई एन इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों से कॉमन लीजिए तो बच जाएगा आपको कितना, cos थीटा प्लस i sin थीटा टू पावर m बाई एन प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू पावर एम बाई एन बच जाएगा। अब देखिए कि आर का वैल्यू आपका कितना था, तो आर का वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर का वैल्यू ले लीजिए टू पावर हो जाएगा एम बाई एन। अब यहां पर देखिए बताए हुए हैं कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू पावर
जो भी रहता है, डिमोर्गन थ्योरम में पावर जो होता है क्या होता है, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो अभी ए जो है यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई होगा कि हो जाएगा कॉस एम बाई एन इंटू थीटा प्लस हो जाएगा आई साइन एम बाई एन इंटू थीटा प्लस। उसी तरह से इसको भी डिमोर्गन थ्योरम अप्लीकेबल है, तो यहां पर हो जाएगा कॉस एम बाई एन इंटू थीटा माइनस हो जाएगा आई साइन एम बाई एन इंटू थीटा। तो ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू पावर हो जाएगा एम बाई टू एल, क्योंकि रूट का मतलब हाफ पावर होता है। और इंटू कितना हो गया, टू इंटू कॉस एम बाई एन इंटू थीटा, तो कितना हो जाएगा टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू पावर एम बाई टू एल इंटू कॉस एम बाई एन। और थीटा का वैल्यू लोगों को कितना आया था, तो थीटा का वैल्यू आया था टैन इनवर्स बी बाई ए, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख देंगे टैन इनवर्स बी बाई ए। इस तरह से इसका रिजल्ट मिल गया। तो हम लोग को इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा एक्स प्लस आई वाई में, ए प्लस आई बी में, तो इसको हम लोग पहले पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे और डिनोवर थ्योरम को अप्लाई करके इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन दूसरे भी क्लास में देंगे, और इसके बाद इसका रूट्स कैसे निकलता है, एन एच पावर कैसे निकलेगा, ये सारा चीज़ की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक।